नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। वंदे भारत चुनाव यात्रा, शुरुआत हम इस सफर की करेंगे उसी वंदे भारत एक्सप्रेस से, जिसे कुछ महीनों पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल से जबलपुर के बीच में पहले शुरू किया था, जिसे अब रीवा तक बढ़ा दिया गया है। अब नाम वंदे भारत चुनाव यात्रा है, लिहाजा इसी वंदे भारत ट्रेन से जो भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से शुरू होकर के जबलपुर तक का सफर हमें तय करवाएगी। का काम बेहतर है, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री के लिए, आपको क्या लगता है कि कौन सबसे बढ़िया चेहरा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी, और कोई दूसरा चेहरा? और कोई दूसरा? अमित शाह। कांग्रेस से कोई आपको नहीं लगता? कांग्रेस की क्या संभावना है लोकसभा चुनाव में? कांग्रेस की संभावना तो मुश्किल है। मुश्किल है? क्यों क्यों ऐसा लगता है आपको? राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल चुके हैं, फिर क्यों नहीं चल रहे हैं? वो अच्छी बात है, लेकिन लोग हिंदुत्व और हिंदू मुस्लिम के चक्कर से और लाडली बहना, इसका फायदा मिलेगा नरेंद्र मोदी जी को। ऑब्वियसली पीएम के लिए तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, अभी एक ही चल रहा है, मोदी सर, और कोई नहीं है। क्यों क्यों आपको लगता है कि वही इस वक्त सबसे ऊपर चल रहे हैं? और भी कई सारे लोग हैं, लेकिन मोदी जी ही क्यों? क्यों, देखो जो काम करेगा उसका रिजल्ट वो मिलेगा, मैं तो यही बोलता हूँ। मोदी जी है, मोदी जी है, क्योंकि उनके आगे कोई नहीं है। नन अदर देन नरेंद्र मोदी सर, बिकॉज इतना सारा काम किया है पब्लिक के लिए इन एवरी डोमेन्स ऑफ सोसाइटी, मतलब चाहे हम हॉस्पिटल की व्यवस्था देख लें, चाहे हम एजुकेशन की व्यवस्था देख लें, कोई भी एरियाज हो, ही हैज़ पुट हिज वर्क फॉरवर्ड और वो बहुत अच्छा, मतलब नन अदर देन अभी प्रेजेंट कैंडिडेट तो नरेंद्र मोदी सर के अलावा कोई नहीं। जी नहीं, राहुल गांधी तो बिल्कुल भी टक्कर नहीं दे सकते हैं, वो जो काबिलियत नरेंद्र मोदी में है वो राहुल गांधी में तो बिल्कुल भी नहीं है। यूथ है लेकिन सब मेरे हिसाब से तो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो जो पब्लिक के लिए काम किया है, जो उन्होंने देश के लिए किया है, तो नरेंद्र मोदी जी ही इंडिया में प्राइम मिनिस्टर बनने के काबिल। शाम ढल चुकी थी और अपने तय समय से थोड़ा पहले ट्रेन जबलपुर पहुंच गई। वंदे भारत चुनाव यात्रा में हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश की संस्कार धानी कहे जाने वाले जबलपुर में। ये करीब 17 लाख वोटरों वाला एक बड़ा लोकसभा क्षेत्र है और जबलपुर अगर देखा जाए तो मशहूर है यहाँ पे भारतीय सेना की जो छावनी है, जो कैंटोनमेंट है, और खास तौर से यहाँ पर जो 6 अलग अलग फैक्ट्रियां हैं आर्मी की, उन तमाम आयुध फैक्ट्रियों के लिए जबलपुर बेहद मशहूर है। मेरे ठीक पीछे ये जो टैंक आप देख रहे हैं, ये टैंक भी यहीं बना है, और यही नहीं, धनुष तोप जो है वो भी जबलपुर की आयुध निर्माण फैक्ट्री में ही बनती है। इसके अलावा सेना के जो ट्रक्स होते हैं, कई दूसरे गोला बारूद हैं, वो यहीं से थल सेना को दिए जाते हैं। हम आज वंदे भारत चुनाव यात्रा में जबलपुर के अलग अलग इलाकों में जाएंगे, एक स्वाद जो है जबलपुर शहर का वो लेने की कोशिश करेंगे कि जबलपुर की जनता आखिरकार 2024 लोकसभा चुनाव के लिए क्या सोच करके बैठी हुई है। महाकौशल की महत्वपूर्ण लोकसभा सीटों में से एक है जबलपुर लोकसभा सीट, जहां लंबे समय से बीजेपी एक तरफा जीत दर्ज करती आई है। जबलपुर शहर अपने जायकों के लिए भी जाना जाता है, लिहाजा हम पुराने बस स्टैंड के पास पहुंचे, जहां सुबह से ही जायके के शौकीन जुटने लग जाते हैं।
देखिए, मेरे हिसाब से जबलपुर में प्लानिंग की सबसे पहले कमी है, क्योंकि हम लोगों ने देखा, हम बचपन से देखते आ रहे हैं, रोड बनती है, उसके बाद पता नहीं इनको क्या आ जाता है, फिर रोड खुद जाती है, पाइप डलते हैं, फिर बनती है, और फिर कुछ बाद थोड़े दिन बाद फिर खुद जाएगी, तो वो कैसा है, वो लैक ऑफ प्लानिंग दिखती है उसमें। और उससे हमारा, हम टैक्स पेयर्स हैं ना, हम लोग साल का 6-6, 8-8 लाख रुपए टैक्स दे रहे हैं, वो वेस्ट होता है। जबलपुर हमेशा से बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है, लेकिन जहाँ तक विकास का नज़रिया है तो यहाँ जबलपुर में विकास उतना हुआ नहीं है। जैसे नीरज बता रहा था आपको कि जो फ्लाईओवर बना है उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब है, और अगर आप कनेक्टिविटी की बात करें तो जबलपुर की कनेक्टिविटी मोस्ट लाइकली सबसे महंगी फ्लाइट्स हैं जबलपुर से, अगर आप कहीं पे भी जाने की कोशिश करें। बार बार बीजेपी को जीत दिलाने के बाद भी जबलपुर का उम्मीदों के मुताबिक विकास नहीं हुआ। ये तो लोगों को भाजपा के ऊपर विश्वास है, जो विकास अभी हम लोग देख रहे हैं पिछले 10-15 साल में, शायद इसके पहले नहीं देखा। हम लोगों ने भी बहुत पुरानी देखी है सड़कें, रोड, विकास, अभी जो पिछले 15 साल में विकास हुआ है शायद इसके पहले नहीं हुआ। जबलपुर आए और भंवरताल पार्क घूमने ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। हम भी सुबह सुबह पहुंचे थे। भंवरताल पार्क जबलपुर का एक मशहूर पार्क है। मेरे ठीक दाईं तरफ अगर आप देखें, यहाँ पे सुबह से लोग पहुंचते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, उसके बाद फिर चर्चाओं का लंबा दौर जो है वो चलता है, और ये फिर जब तक दिन चढ़ना शुरू नहीं होता है ये चर्चाएं लगातार चलती रहती है। तो जाहिर सी बात है, जब जबलपुर की राजनीति की बात होती है तो यहाँ पे कई ऐसे बुद्धिजीवी हमें मिल जाते हैं जो मध्य प्रदेश की राजनीति को, जबलपुर की राजनीति को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। इस स्पेशल कवरेज के दौरान हमारी मुलाकात व्यंग्यकार प्रशांत सेठ से हुई, जिन्होंने अपने ही अंदाज में जबलपुर की यातायात व्यवस्था और देश की सियासत पर तंज किया। सारी सियासत गधों पर ही जमी है, बताइए हमारे अंदर कौन सी कमी है। तो हम एक पार्टी बनाना चाह रहे हैं, गर्दब पार्टी, तो हमारा चुनाव चिन्ह खाली दुलत्ती, झाड़ू न फूल न पंजा न हत्ती। सत्ता पाकर हम भी आपको दुलत्ती मारेंगे, आप किसी को भी चुनिए आप ही हारेंगे। जबलपुर लोकसभा सीट की बात करें तो पहले कभी ये सीट कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, मगर पिछले 27 साल से इसका बीजेपी से अटूट रिश्ता है। 2003 में बीजेपी के राकेश सिंह ने जीत हासिल की और इसके बाद वो यहाँ से लगातार 4 बार सांसद बने। 2019 लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के विवेक तन्खा को 4,54,000 से भी ज्यादा वोट से मात दी थी। 2014 में भी इन दोनों नेताओं के बीच टक्कर हुई थी, मगर तब जीत का अंतर 2 लाख से कुछ ज्यादा था, यानी राकेश सिंह की पकड़ मजबूत होती गई। माननीय मोदी जी का चेहरा यानी जीत की गारंटी। अभी अभी परिणाम सामने आए हैं। 3 राज्यों में हमने अपने मुख्यमंत्री के उम्मीदवार घोषित नहीं किए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर वोट मांगे थे, और आप देखिए ऐतिहासिक परिणाम सामने आए। बीजेपी ने इस बार जबलपुर से आशीष दुबे को उम्मीदवार बनाया है। वो अपने राजनीतिक जीवन का पहला चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस लिहाज से बीजेपी का ये फैसला चौंकाने वाला है। सबसे पहले मुझे लगता है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, उनके प्रति मैं आभार ज्ञापित करना चाहता हूँ कि मुझ जैसे एक सामान्य छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर उन्होंने इतना बड़ा विश्वास व्यक्त किया है। निश्चित रूप से मैं कृतज्ञ हूं। और मैं एक बात इसमें और कहना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ऐसा राजनीतिक दल है कि जो अपने कार्यकर्ता आधारित दल और छोटे से छोटे कार्यकर्ता को अवसर देने का प्रयास करता है, और अवसर दिया है। ये सब आपने देखा, ऐसे अनेक चेहरे आज हमारे सामने हैं। हालांकि आशीष दुबे के नाम का ऐलान होते ही पार्टी के भीतर विरोध के स्वर उठने लगे।
पाटन से बीजेपी विधायक अजय विश्नोई ने आशीष दुबे पर पिछले चुनाव में पार्टी के विरोध में काम करने का आरोप लगाया। जबलपुर अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है। नर्मदा नदी पर बना इकलौता झरना इसी लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। साल 2021 में इस जलप्रपात को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा भी दिया है। जबलपुर सिर्फ अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और हाईकोर्ट या फिर वेस्ट सेंट्रल रेलवे के मुख्यालय के लिए ही नहीं बल्कि नर्मदा नदी पे बने इकलौते इस धुआंधार जलप्रपात की वजह से भी मशहूर है। लेकिन पर्यटन की असीम संभावनाओं के बीच हर बार जबलपुर लोकसभा सीट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई बार दावे तो किए जाते हैं, लेकिन उन दावों से ज्यादा धरातल पर अब तक जबलपुर को पर्यटन की दृष्टि से बहुत कुछ मिल नहीं सका है। और ये तब हो रहा है जब जबलपुर के आसपास चार बड़े राष्ट्रीय उद्यान आते हैं जिसमें बड़ी संख्या में बाघ हैं। 2300 करोड़ की लागत से 226 किलोमीटर लंबी नौ सड़क परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास का अद्भुत पल में माननीय मुख्य अतिथि महोदय नितिन गडकरी जी और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन और सम्मान। 31 जनवरी को जबलपुर के विकास के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। माननीय नितिन गडकरी जी का बहुत बहुत अभिवादन। हम आभार करते हैं कि मध्य प्रदेश की समृद्धता में आप इन सौगातों को हमें दे रहे हैं। और इसलिए मुझे विश्वास है कि जो मध्य प्रदेश में रोड बन रहे हैं, टनल बन रही है, ब्रिजेस बन रही है, इसके कारण मध्य प्रदेश में उद्योग व्यवसाय में बढ़ोतरी आएगी। वंदे भारत में आज के एपिसोड में हमने आपको दिखाया 2024 के लिए जबलपुर का चुनावी मूड।